हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो रिक्वायरमेंट है वो सऊदी अरबिया का रिक्वायरमेंट है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा वाला काम है, ठीक है ना। कोई एडवांस पेमेंट नहीं है। अगर आपको जाना है तो सऊदी अरबिया जाओ, कोई लोचा नहीं है, ठीक है ना। 100% काम है और जेन्युइन काम रहेगा, ठीक है। सऊदी अरबिया के अंदर में सेक्टर रियाद में काम रहेगा आपका जॉब, और विल्ला के अंदर में जो बंगलो होता है उसके अंदर मेंटेनेंस का काम है, ठीक है। मेंटेनेंस मतलब जो भी वहाँ पे काम रहेगा आपको सारा काम करना है, साफ सफाई का, गार्डन गार्डन का मेंटेनेंस देख लीजिए, घर के अंदर जो भी साफ सफाई रहेगा सारा जो है काम आपको करना है, ठीक है ना। अब ये काम कैसा होता है, कंपनी जो एक कंपनी जो है 100 लड़के मंगाते हैं, ठीक है ना। अब कौन सा बंगलों में डालना है, वहाँ पे 5 बंदे को डाल दिए, वो बंगले में 10 बंदे को डाल दिए, तो ऐसा काम है, ठीक है। मेंटेनेंस का काम रहेगा, इंडोर का, अंदर का काम रहेगा, बाहर का काम नहीं है ये, ठीक है ना। रोड का, कंस्ट्रक्शन का ये काम नहीं है। विल्ला के अंदर में, बंगलों के अंदर में जो है मेंटेनेंस का काम है, इंडोर लेबर, इंडोर हेल्पर जो भी बोलो, जनरल हेल्पर में जो भी काम आता है वो सारा काम जो है आपको करना है। सैलरी अच्छी है और ड्यूटी टाइमिंग भी इसमें अच्छा है, और सबसे अच्छा है कि इसमें जो है एसीआर एसएनआर दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेड है। पढ़ा लिखा भी जा सकता है, अनपढ़ लोग भी जा सकते हैं, ठीक है ना। और 1300 प्लस फूड है इसमें, 1300 प्लस 200 सैलरी है, 200 के जो दे रहे हैं वो फूड के लिए दे रहे हैं। प्लस इसमें जो है ओवर टाइम आपको मिलेगा, 9 घंटे का ड्यूटी है, 9 घंटे के बाद 1 घंटा लंच है, उसके बाद जो ओवर टाइम आप करोगे तो उसका पैसा आपको अलग से दिया जाएगा, अगर ओवर टाइम कंपनी आपको देती है तो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओवर टाइम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कोई भी काम में आप जाते हैं 1 महीना 2 महीना ओवर टाइम नहीं मिलता है। ओवर टाइम जो रहता है वो 3 महीने के बाद ही मिलता है बंदे को, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में जाकर के ये ना बोले कि भाई ओवर टाइम मेरे को नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारा केस ऐसा होता है हमारे साथ में, ठीक है ना। लेकिन काम 100% है, अगर आपको जाना है तो ये काम में जाइए। 1300 रियाल सैलरी है प्लस 200 रियाल यानी कि 1500 रियाल सैलरी है। इंडियन मनी बोले तो आज के डेट में आपको 32-33 हज़ार रुपये होता है। ओवर टाइम का आपको अलग से मिलेगा, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी भी है, ठीक है। एसीआर एसीएनआर दोनों पासपोर्ट इसमें एक्सेप्टेड है। एज लिमिट जो है 30 साल के अंदर चलेगा इसमें एज लिमिट, ठीक है ना, 30 से ऊपर नहीं चलेगा। 21 साल से लेकर के 30 साल का बंदा मुझे चाहिए इस काम के लिए। कोई भी पासपोर्ट चलेगा, अनपढ़ पढ़ा लिखा कोई भी बंदा चलेगा, ठीक है। इसमें कंपनी जो है आपको किचन फैसिलिटीज दे रहे हैं, आप खुद से बना के खा सकते हैं या बाहर होटल पर भी खा सकते हैं। रूम दे रहे कंपनी आपको, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन दे रही है कंपनी आपको, ठीक है ना। इकामा कंपनी आपको दे रही है, रिटर्न टिकट जो है कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, और इसमें जो है कंपनी की तरफ से आपको बोनस भी दिया जाएगा, ठीक है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, एम्प्लॉयमेंट वीजा है। आपको अगर जाना है तो कल का कल मेडिकल करके आप मुझे दे दीजिए। 1 हफ्ता बाद 2 हफ्ता बाद अगर आप वीडियो देखेंगे तो ये काम नहीं रहेगा, कॉल मत करना। जाना है कल का कल आप मेरे को मेडिकल करके दे दीजिए। सऊदी अरबिया का काम कोई भी जो है 2 से 3 दिन 4 दिन रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है ना। तो अगर जाना है तो इस काम के लिए आपको कल का कल मेडिकल करके और मेडिकल पासपोर्ट दे दीजिए। ओरिजिनल आपको जो है मौका मिल जाएगा, वीज़ा लग जाएगी। वीज़ा लगने के बाद आधा पेमेंट है, आधा पेमेंट टिकट के बाद है। 1,30,000 खर्चा है, जितना जल्दी हो सकता है दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपको जाना है तो इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो फटाफट कॉल कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।